बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सागर पाल और विक्की यादव ने पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस ने बताया है कि इन दोनों आरोपियों ने बताया है कि उन्हें मुंबई आने से पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से 1,00,000 रुपए दिए गए थे। ये पैसे उन्हें मुंबई में एक घर लेने और एक बाइक का इंतजाम करने के लिए दिए गए थे। इस काम के दौरान उन्हें किसी तरह की सुपारी देने की बात नहीं कही गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बिहार से मजदूरी करने के लिए हरियाणा पहुंचे विक्की और सागर से गैंग के लोगों ने कहा था कि अच्छा काम करो तो तुम्हारा अच्छा करेंगे। उसी अच्छे के भरोसे दोनों युवा पैसे लेकर मुंबई चले गए और वहां जाकर सलमान के घर के बाहर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि सलमान खान के पास वाई प्लस सिक्योरिटी है। पुलिस ने बताया कि मुंबई में रहे अंडरवर्ल्ड डॉन बिना किसी डील के इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अप्रोच इस मामले में बहुत अलग है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन रहे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी करीब 15 साल से शहर में एक्टिव नहीं है। पुलिस को शक है कि शायद इसी वजह से लॉरेंस गैंग, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में एक्टिव है, मुंबई के इस वैक्यूम में घुसने की कोशिश कर रहा है। मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लक्ष्मी गौतम ने कहा कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच सलमान खान को धमकी मिलने के केस की गहनता से जांच कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि बिश्नोई गैंग को मुंबई में अपराध करने का ग्राउंड किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर किसी हाई प्रोफाइल शख्स को टारगेट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले। पुलिस को शक है कि बिश्नोई गैंग मुंबई में अपने पाँव जमाना चाहता है। इस काम के लिए गैंग के लोग सलमान खान को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान पर राजस्थान में एक मूवी की शूटिंग के दौरान काले हिरन को मारने के आरोप लगे थे। काला हिरन एक विलुप्त होने की कगार वाला वन्य जीव है, जो कि बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। मुंबई पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि बिश्नोई ने कहा था कि वह सलमान खान से काले हिरन को मारने के लिए बहुत नाराज है। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि लॉरेंस बार बार सलमान खान का नाम लेकर अपना नाम और बड़ा करना चाहता है, इसलिए सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों से सिर्फ डराने के लिए कहा गया था, किसी को मारने के लिए नहीं।